गोरखपुर में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने को लेकर AHTU थाना द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि करीब एक साल में AHTU थाना द्वारा 332 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही जन जागरूकता अभियान के तहत 15,000 बच्चों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार अभियान चलाकर बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, जैसे कि आपको जानकारी है कि जो बाल श्रम है वो अपराध है और किसी भी 14 साल के बच्चे से अपने घर में काम कराना या फैक्ट्री में काम कराना, दुकान पे काम कराना, ये एक अपराध है। और इसके संबंध में जनपद गोरखपुर का गठित AST थाना है जो लगातार इसमें अभियान चलाता रहता है और अन्य डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के रेस्क्यू अभियान चलाते हैं। साथ ही साथ जो जागरूकता का अभियान है उसको भी चलाते हैं। इस वर्ष 2023 में लगभग 120 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है बाल श्रम से और 300 स्थानों पे करीब जन जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 15,000 लोगों को जागरूक किया गया है। इसी क्रम में इस वर्ष AST थाने पे पांच अभियुक्त पंजीकृत किए हैं बाल श्रम के, जिसमें 50